शुरुआत करेंगे बुलेटिन की नीट की खबर के साथ। नीट परीक्षा में एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं और गुजरात के गोधरा में जहां नीट परीक्षा में नकल कराने के आरोप में पुलिस ने एक स्कूल के प्रिंसिपल और एक एजुकेशन कंसल्टेंट कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया है। तो वहीं बिहार में नीट परीक्षा के दिन पेपर लीक की वारदात के बाद अब जले हुए नीट के पेपर मिलने की घटना भी सामने आई है। तो ये पूरा मामला नीट से जुड़ा हुआ है। नीट परीक्षा में एक के बाद एक मामले जो है सामने आ रहे हैं, कई मामले इससे जुड़े हुए, कई जगहों के तार नीट से जुड़े हुए मिल रहे हैं और अब जले हुए पेपर्स भी मिले हैं। गुजरात के गोधरा में नीट परीक्षा में नकल कराने के आरोप में पुलिस ने एक स्कूल के प्रिंसिपल और एक एजुकेशन कंसल्टेंट कंपनी के मालिक को गिरफ्तार किया है। तो वही बिहार की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां परीक्षा के दिन पेपर लीक वारदात के बाद अब जले हुए नीट के पेपर मिलने की घटना सामने आई है। तो इस तरीके से जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं और बेहद अहम हो जाता है ये वक्त जब इतनी बड़ी परीक्षा, देश के कई परीक्षार्थी, कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो इस परीक्षा को देते हैं पूरे साल मेहनत करने के बाद, लेकिन जब इस तरह के खुलासे होते हैं तो वाकई में चौंका देने वाले खुलासे। अब ये दो तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां करते हुए। जबलपुर हाईकोर्ट ने नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी मामले में याचिका स्वीकार की है। प्रारंभिक तौर पर मामले की सुनवाई होगी जुलाई के पहले हफ्ते में। हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में एनटीए, एनएमसी और प्रदेश सरकार में पक्षकार बनाया गया है। प्रदेश सरकार को नीट परीक्षा की हाई लेवल जांच की मांग की गई है। नीट की परीक्षा को रद्द करने की भी मांग है। जबलपुर की छात्रा ने याचिका लगाई है और इस पूरे मामले में अब जांच की मांग हो रही है। रीनीट का जो नारा है वो अब तमाम छात्र छात्रा देते नजर आ रही हैं। अंडर ग्रेजुएशन नीट में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, सीबीआई जांच हो, इस तरह की मांग अब उठ रही है। इस याचिका में मैंने जो दो रिक्वेस्ट की हैं, जो दो प्रेयर की हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, वो ये की हैं कि एक तो पूरा नीट रीटेस्ट होना चाहिए और दूसरा हाई लेवल इंक्वायरी करानी चाहिए और इनके रिकॉर्ड्स तुरंत सीज कर लेने चाहिए कोर्ट के द्वारा। उसका कारण ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एक कवर अप करने के लिए 1563 बच्चों की कुर्बानी देने की कोशिश की है, जो सरकार ने जिस हिसाब से कल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मान लिया कि 1563 बच्चे जो हैं उनको तो हम ये मानते हैं, पर पहला मेरा कहना ये है कि आप सिर्फ 1563 बच्चे कैसे बोल सकते हो? इसमें हो सकता है 200 टाइम्स मोर बच्चे हों, क्योंकि आपने खुद हो के कभी नहीं इसको एडमिट किया। आज जब कल जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लगा तब पहली बार सरकार की तरफ से, मतलब एनटीए की तरफ से ये रिप्लाई आया। तो जबलपुर हाईकोर्ट ने नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी मामले में याचिका स्वीकार की है। प्रारंभिक तौर पर मामले की सुनवाई होगी जुलाई के पहले हफ्ते में। हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में एनटीए, एनएमसी और प्रदेश सरकार को पक्षकार बनाया है। हालांकि अब आगे बढ़ेंगे और शाजापुर की बात करेंगे। शाजापुर में कार में भीषण आग लग गई और आग लगने के समय कार में कोई भी मौजूद नहीं था। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। शहर के पटेल गार्डन के सामने ये घटना हुई है और कार में भीषण आग लग गई। ये तस्वीर आप देखिए, कार आग के हवाले हो चुकी है। भयानक आग, भीषण आग। आग लगने के कारणों के बारे में अभी भी जांच पड़ताल चल रही है। फिलहाल शाजापुर का ये मामला, कार में भीषण आग लग गई। बीजेपी के अहंकार वाले बयान पर आरएसएस के इंद्रेश कुमार का यूटर्न आया है। राम की भक्ति करने वाले सत्ता में मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की करेगा, मोदी सरकार में देश में विकास होगा, ऐसा इंद्रेश कुमार का कहना है। और एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए अहंकार और इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इंद्रेश कुमार की तरफ से कहा गया कि मोदी सरकार में देश में विकास हुआ है। इन्होंने राम का विरोध किया, वो सब सत्ता से बाहर हैं,
जिन्होंने राम की भक्ति का संकल्प लिया, आज वो सत्ता में है और तीसरी बार की सरकार श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बन गई है। देश उनके नेतृत्व में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। भोपाल में प्रियंक कानूनगो का बड़ा बयान आया है। मदरसों में बेसिक सुविधाओं की कमी है, उन्होंने कहा मदरसों में क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है। मदरसों से बच्चों को निकाले सरकार, मदरसों से बच्चों को निकालकर स्कूल सरकार भेजे, ऐसा प्रियंक कानूनगो का कहना है। अवैध मदरसों की जानकारी भी ली गई है, ये भी उनका कहना है। इससे पहले आपको याद होगा ये वही प्रियंक कानूनगो हैं जिन्होंने ये बताया था कि मदरसों में कैसे धर्मांतरण का खेल चल रहा है, कैसे मदरसों में जो बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, समझने के लिए धर्म को, उनको बरगलाया जा रहा है। और अब एक और मांग उनकी तरफ से उठाई गई है। शिक्षा को लेकर गंभीर मामला सामने आया है कि हिंदू बच्चों को उन मदरसों में पढ़ाया जा रहा है जो शिक्षा का अधिकार कानून की कंप्लायंस पूरी नहीं करते। ये गंभीर मामला है। इन मदरसों से हिंदू बच्चों को तत्काल निकालना चाहिए, बच्चों को धर्म के चश्मे से देखना बंद करना चाहिए, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार का पूरा लाभ मिले इसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। आज हमने एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी यहाँ कंडक्ट कराया है। पार्ले जी बनाने वाली एक मंडीदीप की कंपनी से हमने आज 21 बच्चों को रेस्क्यू किया है। यहाँ अलग अलग विभागों की समीक्षा में जो अलग अलग प्रकार का डेटा था उसके कन्वर्जेंस के लिए जरूरी निर्देश हमने सभी विभागों को दिए। तो वही राधा रानी पर हाल ही में विवादित बयान देने के बाद चर्चा में आए पंडित प्रदीप मिश्रा लगातार विरोध झेल रहे हैं। अब कानपुर के वकील मनोज कुमार दीक्षित ने कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर मुकदमा दर्ज करवाया है। वकील मनोज दीक्षित ने कहा है कि उनका बयान हिंदुओं की आस्था का अपमान है। कथावाचक पर धारा 153A, 295A, 298 IPC में मुकदमा दर्ज किया गया है, जिस पर कानपुर कोर्ट में 26 जून को सुनवाई होगी। उनके कहने का तात्पर्य क्या है, समाज में क्या जो है संदेश जा रहा है, करोड़ों भक्तों के हृदय को उन्होंने ठेस पहुंचाई है। हमारा मन व्यथित हुआ। मैं राधा रानी का परम भक्त हूं, मैंने इनके विरुद्ध कल न्यायालय में परिवाद अंतर्गत धारा 153A, 295A, 298 IPC के तहत दाखिल किया और न्यायालय से मांग की इनको तलब करके इनको दंडित किया जाए। भोपाल में 16 जून को बीजेपी दफ्तर में बड़ा कार्यक्रम होगा। MP कोटे से बने केंद्रीय मंत्रियों का सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश कार्य समिति के पदाधिकारी और आम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान जिन्हें कृषि मंत्रालय दिया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्हें दूर संचार मंत्रालय दिया गया है, ये वो तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मंत्रालय दिया गया है, जिन्हें मंत्री बनाया गया है मध्य प्रदेश के। इसके अलावा आप तस्वीर देख रहे हैं महिला कोटे से जो है सावित्री को मंत्री बनाया गया है, वीरेंद्र कुमार को मंत्री बनाए गए हैं। किन का सम्मान होगा वो आपको दिखा रहे हैं। दुर्गादास उइके को भी सम्मानित किया जाएगा। सावित्री ठाकुर और एल मुरुगन दोनों को ही सम्मानित किया जाएगा। उज्जैन में सट्टेबाजी पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। करोड़ों रुपए के साथ 9 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। 10 से 15 करोड़ रुपए बरामद भी हुए हैं। रुपए गिनने के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ी है। IPL मैच में सट्टा लगाते सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। कृष्णा विहार के पास मुसद्दीपुरा में छापा मारा गया और बिल्डर पीयूष चोपड़ा के घर पर जो है सट्टा चल रहा था, जिसके बाद विदेशी करेंसी भी है इसमें, विदेशी करेंसी इसके साथ साथ इंडियन रुपी भी मौजूद है। कई करोड़ रुपए मिले हैं। प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग प्लीज।
उधर इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस के नेता सटोरिए का संबंध बीजेपी के कई नेताओं से होने की बात कह रहे हैं, साथ ही नाम सामने लाने की मांग की गई है। तो उधर कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते जमकर भ्रष्टाचार हुआ था और कई अधिकारी और करीबी लोगों के पास से काली कमाई जब्त की गई थी। जो पीयूष चोपड़ा है ये बिल्डर भी है, पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है और ये भी जानकारी मिली है कि इसके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ संबंध है। वो जानकारी पब्लिक को जानना पब्लिक का राइट है, ये भी जानकारी दी जाए कि कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो इस बिल्डर्स के पार्टनर हैं और जिनके गहरे संबंध इस सटवरिये से हैं, जिसके कारण इतने वर्षों तक खुलेआम ये सट्टा खिलाया जाता रहा। कांग्रेस के ये आरोप प्रत्यारोप उतने ही निराधार और झूठे हैं जितने कि कांग्रेस पार्टी निराधार और झूठी है। पहले तो मुझे कांग्रेस के नेता जवाब दें कि जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, मात्र 15 महीने की सरकार 2018 में, तो किन किन के घर उनके ओएसडी के घर छापे पड़े थे, कितने करोड़ों का कैश उन ओएसडी के घर मिला था, पहले ये उस पे जवाब दें। विधानसभा को लूट का अड्डा बना के छोड़ा था कांग्रेस ने मात्र 15 महीने में, पहले ये उस पे जवाब दें। ये जिस राहुल गांधी की यात्रा जिन जिन क्षेत्रों से निकली है, वहां पे किन किन के घर छापे पड़े हैं, कितने करोड़ों रुपए की बरामदी हुई है, उस पे जवाब दें। रही बात आज भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, ये पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपनी तो शराब घोटाला में अनवर ढेबर को जमानत मिल चुकी है। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें बेल दी है। रायपुर सेंट्रल जेल में अनवर ढेबर बंद है और इस पूरे मामले में, शराब घोटाला मामले में अनवर ढेबर को जमानत मिली है। बलौदाबाजार हिंसा का मामला, जहां राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने संज्ञान लिया है। बलौदाबाजार में हुई हिंसा पर संज्ञान लिया गया है। पीड़ितों को क्षतिपूर्ति और राहत देने के निर्देश दिए गए हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलौदाबाजार को निर्देश दिया गया है और प्रभावित क्षेत्र में विधिक सहायता क्लिनिक संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। जले वाहनों के बीमा भुगतान के लिए समन्वय बीमा लोकपाल की भी सहायता ली जाए। घायल लोगों को निःशुल्क इलाज के निर्देश दिए गए हैं। आग में जले दस्तावेजों के पुनः निर्मित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बलौदाबाजार की घटना की जांच के लिए बीजेपी ने एक समिति बनाई, जिसके संयोजन मंत्री दयाल दास बघेल को बनाया गया है। समिति में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सहित 5 सदस्य हैं। मंत्री टंकराम शिवरतन शर्मा, नवीन मार्कंडे, रंजना साहू को समिति का सदस्य बनाया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी 7 सदस्यीय जांच समिति बनाई है, जिसने बलौदाबाजार का दौरा भी किया था। और इधर बलौदाबाजार की घटना को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि इस घटना के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। गृह मंत्री होने के बाद भी मैं इस बात को कह रहा हूं, कलेक्टर और एसपी को हटा दिया गया है, दोनों को सस्पेंड किया गया है। इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। व्यवस्था पर इस घटना के बाद सवाल उठना लाजिमी है, मैं गृह मंत्री होने के बाद भी इस बात को कह रहा हूं। और ऐसे नहीं पूरे ही जिलों में, क्या इसके संदर्भ में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, इस पर भी काम हो रहा है और शीघ्र ही उसको सभी जिलों में लागू किया जाए। सभी पहलुओं पर जांच करना है, क्योंकि ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं, समाज का विषय है नहीं। समाज के लोग प्रतिदिन, प्रमुख लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आकर के स्पष्ट कर रहे हैं कि समाज का कोई विषय नहीं है, समाज तो संतुष्ट है और समाज का सब कुछ कहना है, असामाजिक लोगों ने किया है। अब ये कैसे हुआ, क्या बताना चाहते हैं करके, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर जानकारी होनी चाहिए। सूरजपुर में स्वास्थ्य विभाग का जांच अभियान जारी है। मेडिकल स्टोर और क्लिनिकों की जांच चल रही है। अभियान के लिए संयुक्त टीम बनी है। 6 मेडिकल स्टोर्स पर संयुक्त टीम ने जांच अभियान चलाया है। अवैध क्लिनिक संचालित करने का आरोप भी है। संचालक के खिलाफ नोटिस जारी किया गया।
सीएमएचओ के निर्देश पर अभियान चलाया गया है। और अब बात करेंगे शहडोल की, जहां नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने प्रतिबंधित दवाओं के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी बड़े ही शातिराना तरीके से एम्बुलेंस में नशीली दवाइयों की तस्करी कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। सीएम साय आज भी विभागों की समीक्षा करेंगे। 3 दिवसीय विभागों की समीक्षा बैठक आज अंतिम दिन है और आज पीएचई सहित गृह एवं जेल विभाग की समीक्षा करेंगे। पीएचई मंत्री अरुण साव और गृह एवं जेल मंत्री विजय शर्मा बैठक में मौजूद रहेंगे। दुरुस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की उपलब्धता पर भी चर्चा होगी। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अधिकारियों से चर्चा होगी। अधिकारियों को बैठक में दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अंबिकापुर में 2 गुटों के बीच विवाद का मामला सामने आया है। जमीन विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं और मारपीट में 6 से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में एक की हालत गंभीर है। मारपीट का वीडियो सामने आ चुका है। दरीमा थाना क्षेत्र के पर्री गांव की घटना है और 6 के घायल होने की खबर है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जमीन विवाद में मारपीट का यह मामला, लाठी डंडे चले हैं जमकर। वहां मौजूद किसी ने ये वीडियो बना लिया और काफी तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, जमीन का विवाद है और लाठी डंडे दो पक्षों के बीच जमकर चले। इस बीच मुंबई से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के एटॉप हिल इलाके में बड़ा हादसा हो गया है। वहां के कमला नगर इलाके में एक 3 मंजिला बिल्डिंग गिर गई है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 के अंदर ही फंसे होने की आशंका है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है और देखिए, सब कुछ क्षतिग्रस्त हो चुका है, सब कुछ जमींदोज हो चुका है और किस तरीके से 3 मंजिला बिल्डिंग गिरी है, 2 लोगों की मौत इसमें। हालांकि कितने लोग दबे हुए हैं यह अभी तक जानकारी नहीं मिली है। इसके लिए सर्च चल रहा है, सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीमें भी वहां पर मौजूद हैं। मौके पर किसी भी आपात स्थिति में एंटॉप हिल इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है। एनएसयूआई के कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। भोपाल में बरकतुल्ला विश्वविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन की जा रही है। कुलपति के केबिन के बाहर छात्रों का रात भर प्रदर्शन देखने को मिला। एम फार्मा कोर्स की परीक्षा कराने की मांग चल रही है। 1 साल से एम फार्मा कोर्स की परीक्षा ही नहीं हुई है। कुलपति पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों की कुछ अहम मांगे हैं, उन मांगों को पूरा करने के लिए इस तरीके से प्रदर्शन अंधेरे में रात के किया गया। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या इस मांग का संज्ञान लिया गया है कुलपति की तरफ से? अभी तो कल रात से जो स्टूडेंट्स हैं वो फिलहाल धरने पर डटे हुए हैं और कल देर रात तक इस पूरे मामले को लेकर कोई भी जो हल है वो नहीं निकल पाया है। और एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। समय पर परीक्षाएं ना होने के मामले में, विश्वविद्यालय की अन्य अनियमितताओं को मामले को लेकर ये पूरा जो प्रदर्शन है वो जारी है। और स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हम लोग लगातार कई बार पहले अन्य माध्यमों से भी, चाहे ज्ञापन हो, चाहे एप्लीकेशन हो, सारी चीजों के माध्यम से पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। इसलिए मजबूरन हमें अब प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, धरना करना पड़ रहा है, रात भर यूनिवर्सिटी में धरने में बैठना पड़ रहा है। आज का दिन जो है वो इस पूरे मामले के लिहाज से देखा जाए तो खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जब यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं, जो वीसी हैं, जो रजिस्ट्रार हैं, वो जब यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे तो उनकी संभवतः छात्रों से मुलाकात होगी। अब देखना होगा कि जो स्टूडेंट्स एनएसयूआई के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांगों को कितना पूरा किया जाता है और वो प्रशासन की जो आने वाले समय में कार्य योजना रहेगी परीक्षाओं को लेकर, उससे कितने संतुष्ट हो पाते हैं। और प्रशासन की कोशिश जरूर रहेगी कि स्टूडेंट्स का जो धरना है, जो प्रोटेस्ट है, वो खत्म कराया जाए। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में G7 समिट में शामिल होने के बाद भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के अलुपिया में आयोजित G7 समिट में हिस्सा लिया और वहां आउटरीच सेशन को संबोधित किया। उन्होंने अपनी इटली यात्रा के दौरान दुनिया के कई नेताओं से भी मुलाकात की है। इटली की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने एक के बाद एक अपुलिया में वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले। इस मुलाकात पर कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक की और उन्हें भारत को G7 शिखर सम्मेलन में बुलाने के लिए धन्यवाद कहा और साथ ही दोनों देशों के कॉमर्स, एनर्जी, टेलीकॉम जैसे कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर चर्चा की। पीएम मोदी यूके के पीएम ऋषि सुनक से भी मिले और सेमीकंडक्टर तकनीक और कारोबार के मामले में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और कहा कि साल में ये हमारी चौथी मुलाकात है। दोनों नेताओं ने रक्षा सुरक्षा, तकनीक, AI और ब्लू इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज से भी मुलाकात की और ये 6 तस्वीर दिखा रहे हैं जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के कई दिग्गजों से मुलाकात की। बुलेटिन